हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या हो सकता है उनका पॉसिबल नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर वन वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज एंड फॉर पाइल नंबर टू वी हैव दिस एमेथिस्ट स्टोन। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और टेक योर टाइम और ध्यान से अपने जो कार्ड्स हैं, अपनी जो पाइल है उसे चूज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया है स्टोन, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। ओके, फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है, आपके जो पार्टनर है दे आर होल्डिंग इमोशंस राइट, और बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग इमोशंस। और मे भी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, फेलो वाटर साइन के साथ, और या मे बी अ कैप्रिकॉन साइन और एयर साइन भी हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर दे आर जैसे कहते हैं ना, दे आर नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट योर ऑफर, या कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी दे आर इग्नोरिंग, कुछ है जो वो इग्नोर कर रहे हैं, और दे आर होल्डिंग इमोशंस। बेसिकली स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट होल्डिंग इमोशंस राइट, और उनके मन में दे हैव इमोशंस फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं उनके मन में इमोशंस हैं आपके लिए। सोचते हैं वो आपकी तरफ कि वो आपकी तरफ आए, दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू विद द डेविल एनर्जी राइट, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आपको मिस भी कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली थिंक भी कर रहे हैं आपके बारे में, बट आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, मे बी दे आर हैविंग ऑप्शंस इन देयर लाइफ, मे बी हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में हो और कुछ होप समबडी फ्रॉम द पास्ट, कुछ है ऐसा जो उनको बॉदर कर रहा है, या मे बी जैसे कि मैंने कहा कि कुछ है जो स्टिल दे आर बाउंड, दे आर स्टक इन दैट एनर्जी, या मे बी कुछ है जो जिस चीज़ की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे राइट समथिंग, और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ऑल दो मे बी हो सकता है एज आई टोल्ड यू फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि समथिंग समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, कुछ ना कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया हो रहा है उनकी लाइफ में। मे बी आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है राइट, और मे बी दे आर हैविंग ऑप्शंस इन देयर लाइफ, कुछ ना कुछ है उनकी लाइफ में चल रहा है राइट नाउ। दे आर हैविंग विद द एस ऑफ कप्स, उनके मन में बहुत आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग राइट, एज आई टोल्ड यू हो सकता है कि वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और दे आर मे बी हो सकता है कि ऑफर है उनके पास और वो चूज नहीं कर पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। और मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि somebody was आप जिनके साथ डील कर रहे थे they were in and out of your life, और somebody is in a player energy, और हो सकता है कि obsessively अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, they are thinking of you, they are thinking of rushing towards you, but caught up है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा,
with the devil card, it's not like maybe a unhealthy situation in their life, या maybe हो सकता है something unhealthy, कोई relationship हो उनकी life में, या they are going through a separation, या they are going through a divorce, जैसे कि मैंने कहा कोई transformation कुछ है जो उनकी life में, या maybe ending कुछ चल रहा है जिसके through वो निकल रहे हैं, और उन्हें ये लगता है somehow feel करते हैं वो, but emotions अपने अपने मन में दबा के रख रहे हैं वो, because वो कुछ कर नहीं पा रहे in the moment, right? और आपकी तरफ रश इन करना चाहते हैं, अपने इमोशंस का इजहार करना चाहते हैं, कभी सोचते हैं कि आपकी तरफ आए और आपको ऑफर करें, बट फिर चीज़ें आ जाती हैं कि मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे, मे बी कुछ भी हो रहा है, जो भी है वो उनको बॉदर कर रहा है, राइट? बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइक स्टक फील कर रहे हैं. ओके, सो कुछ ना कुछ, एज आई टोल्ड यू, उनकी लाइफ में कुछ है फ्रॉम द पास्ट, या कुछ है जो उनको बॉदर कर रहा है, राइट? विद द पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में पहला है जो अभी वो मसला ख़त्म नहीं हुआ है, या कुछ ना कुछ जो है उसमें से उनको निकलना बाकी है. दे आर फाइटिंग विद देयर सेल्फ, अपने आप से वो फाइट कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू ब्रेक दैट, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू दे आर गोइंग थ्रू अ लीगल केस, या कोई उनका डिवोर्स केस चल रहा हो, कुछ भी, वट एवर, वो उसमें से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफर, दे वॉन्ट टू, लाइक हो सकता है इस वजह से आप लोगों की लड़ाई होती हो, दे वॉन्ट टू रश इन, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, बट समथिंग इज लाइक उनके उनके मन पे या उनकी लाइफ में कुछ बर्डन है, दे हैव टू रिलीज दैट. और जब तक वो उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, राइट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ है जिसको जिसमें से उनको निकल के बाहर आना है, और जैसे ही वो सॉर्ट आउट होगा तो वो आपकी तरफ आना चाहेंगे. विद अ ब्रेक थ्रू कार्ड में भी हो सकता है, इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड, सो किसी ना किसी में भी कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी, कुछ के लिए हो सकता है डिवोर्स, कुछ के लिए हो सकता है कि फॉल्स रिलेशनशिप, कुछ के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज. सो ये इश्यूज हैं, कुछ है जो उनको सॉल्व करने हैं आप लोगों में. हो सकता है कि कुछ ना कुछ अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, बट येस दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू, बट उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज ऐसा चल रहा है जिसको उनको रिलीज़ करना है, सो दैट वो आपकी तरफ आ सकें, राइट? सो जल्दी ही मे बी इस चीज़ को वो सॉर्ट आउट कर लें, राइट? उनके भी माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है, वेरी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत दिमाग में बहुत उनका वेवर कर रहा है बहुत ज़्यादा, और चाह के भी वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. और विद अ जस्टिस कार्ड मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग, और जल्दी ही उस चीज़ का सोल्यूशन निकल लेगा, सो दैट उस चीज़ को वो रिलीज़ करके आपकी तरफ रशिंग कर सकें, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया. आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप आप लोगों के बीच में सबको जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए. ओके, चलिए बात करते हैं अब पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है. ओके, ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, आपको मैं बता दूं, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, और आपके जो पर्सन है आपकी तरफ रशन करना चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू लाइक आप, दे हैव इमेंस फीलिंग्स फॉर यू, बहुत ज़्यादा, और दे वांट टू लाइक, वो कहते हैं ना, आपकी तरफ आना चाहते हैं लाइक एन एम्परर, दे आर बहुत ज़्यादा लाइक लॉयल एंड स्पिरिचुअल पर्सन है, बैलेंस लाना चाहते हैं इन द सिचुएशन. मे बी फैमिली इश्यूज़ हैं जिसमें वो लाइक दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस, सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके मन उनके मन में बहुत, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट? विद अ स्टार कार्ड, बहुत होप्स हैं उनको इस रिलेशनशिप से, और बहुत होपफुल हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स डालना चाहते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है. जस्टिस का वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए. मे बी आप लोग जैसे कि ऑब्वियसली विद द टावर कार्ड थिंग्स आर लाइक अभी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, बट
दे आर लाइक दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, सही तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं. विद द टू ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, दे वॉन्ट टू कमिट यू मे बी. फॉर जिन्होंने भी पायल नंबर टू चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आप लोग आपके, जो मे बी हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो वो फेस कर रहे हो, मे बी अ सेपरेशन, मे बी अ डिवोर्स, कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें से उनको निकलना है, या कुछ भी है, या थर्ड पार्टी है, या कुछ भी है. बट या हो सकता है कि कोई रिलीजियस फैक्टर्स हो आप लोगों के बीच में, बट दिस पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. किंग ऑफ कप्स, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, बहुत इमोशंस हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, और अर्थ साइन, साइंस हमारे पास सभी हैं यहाँ पे. लाइक एन एम्परर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कमिट, दे वॉन्ट टू रीच आउट, और डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन, लाइक ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी, कमिटमेंट वाली, प्यार वाली, शादी वाली. सो वैसी फीलिंग्स हैं उनकी, कुछ ऐसा कुछ उनके नहीं चल रहा है माइंड में, बहुत लाइक आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट जो आप लोगों को, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है, टावर मूड या कुछ भी है, वो उसमें बैलेंस लेके आना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, राइट. सो यस, विद अ जजमेंट कार्ड, और लाइफ में भी हो सकता है आप लोगों के जो पास्ट इशूज़ या आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसमें वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ है उस चीज़ की वजह से लेके, राइट. सो यस, क्रिएटर, सो जैसा कि मैंने कहा कि दे वॉन्ट टू लाइक, आप लोगों के बीच में वो चीज़ लाना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं. और जजमेंट इज़ लाइक दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से, नए नज़रिए से, इट्स अबाउट अवेकनिंग. सो चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे से दोबारा से आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए. मे बी थोड़ा उनको कुछ बॉदर कर रहा है, आने की सोचते हैं, देन दे लाइक उनके माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं पास्ट की, और फिर वो उसमें मतलब सोचने लग जाते हैं, एंड दे लाइक फिर स्लो डाउन हो जाते हैं. अदरवाइज थोड़े से इस चीज़ की वजह से मे बी जो आप लोगों के बीच में हुआ, पास्ट की बातें सोच के वो थोड़े से क्लोज ऑफ है, या हो सकता है कि कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो थोड़े से क्लोज ऑफ है. बट फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत है, और बहुत इमोशंस हैं, और जल्दी ही फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे बहुत लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी ही आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, और वो दे विल बी लाइक, मैंने जैसे कि कहा कि एम्परर की तरह, दे वॉन्ट टू रीच यू आउट, आपकी तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. तो हो सकता है कि आप लोगों की जल्दी ही कोई कम्युनिकेशन हो, कोई बात हो, बिकॉज वो ऐसा सोच रहे हैं, राइट, आपकी तरफ लाइक बैलेंस लाने का सोच रहे हैं. एट ऑफ वॉन्ट्स, इट्स ऑल अबाउट रशिंग टूवर्ड्स यू, या कोई आपको कॉल या कोई मैसेज करें या कुछ भी आप लोगों की बात हो, और दे आर रियली मिसिंग यू, और आप लोगों का, आई डोंट बिलीव दिस, वी हैव लवर्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स. तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में, मैंने जैसे कि कहा कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं. एंड विद द टेम्परेंस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, लाइक चाहते हैं कि बैलेंस आ जाए, जो भी इश्यूज है, या चाहे फैमिली इश्यूज है या कुछ भी है, वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, और बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों में, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है. सो हो सकता है कि वो जल्दी ही लाइक विद अ क्रिएटर, मे बी हो सकता है कि वो इन चीज़ों को, इश्यूज़ को छोड़ के वो जल्दी ही आपसे बात करें, कॉन्टैक्ट करें. क्रिएटर मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, राइट. सो हो सकता है कि कुछ आपकी तरफ लाइक वो आना चाहे, आपकी तरफ कोई स्टेप उठाना चाहे, या आपको कोई रीच आउट करना चाहे, राइट. सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है, और आपकी लाइफ में. सो आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, और आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप लोगों के बीच में सब कुछ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए. वैसे भी वैलेंटाइन इज़ नियर, सो आई विश कि उससे पहले सब कुछ आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और बाय.